नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों का जो भी काम था वो यहाँ तक पहुँचा था। अभी हमें इस वीडियो में क्या करना है कि ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये सारा कुछ अभी हमें मूव करना है अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे, और सारी चीज़ें खूबसूरत बनानी है। तो अभी हमें काम करना है इस वीडियो में अपने स्टाइल वाले पेज पे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे एक आपको मिलेगा CSS, एडमिन एरिया के अंदर CSS, और इसमें स्टाइल डॉट CSS जो कि यहाँ पे ओपन हुआ रखा है। इकॉम सॉफ्टमेटिक और ये एडमिन एरिया CSS, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है ना। तो अभी ये जो हमारा स्टाइल डॉट CSS है, एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं इसको। ये ओपन हुआ हुआ है। अभी यहाँ पे जो पहले से सारे कोड लिखे हैं, इनको हम कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, ठीक है। और उसको आकर के यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो कोई उसका इफेक्ट यहाँ पे आई थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ें अभी हमें वहाँ पे लेनी नहीं थी, ठीक है। यहाँ के लिए हम स्पेशल कोड जो है वो CSS में राइट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग लिखेंगे, जो सब पे अप्लाई होगा। वो कुछ ऐसा होगा कि ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोबल स्टाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, बॉडी ओके। और यहाँ पे मार्जिन टॉप देते हैं इसको, मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको 100 पिक्सल्स का, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी कुछ कर देते हैं, छोटी स्क्रीन के लिए मिनिमम बेथ जो देते हैं वो ये देते हैं 68 पिक्सल्स। और यहाँ पे हम इसका डिफाइन कर देते हैं बॉडी, बॉडी ऐसे, और इसको देते हैं मार्जिन टॉप 50px, ओके डन यहाँ तक। अभी अपने आते हैं हम पेज पे, अपने आते हैं इस पेज पे, आई थिंक कहाँ पे, साइट पे। और साइट पे यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक क्लास शायद मिलेगी इंडेक्स में, ये है रैपर, ओके। यहाँ पे इससे पहले हम ये कर देते हैं ना कि ये जो क्लास है इसको क्लास नहीं, इसको ऐड ही कर देते हैं, ठीक है, रैपर, क्योंकि रैपर कैसी कोई क्लासेस तो है नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ आईडी, एज अ आईडी, ठीक है। और एज अ आईडी लेने के बाद में इसको हम स्टाइलाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको देते हैं पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट 0 एंड उसके बाद में पैडिंग लेफ्ट देने के बाद हम इसको पेज रैपर, एक ये है हमारा जो रैपर, इसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक और हमें मिलना है ये भी आईडी ही है, इसको हम क्लास क्यों लिखे हैं ये पता नहीं, पेज रैपर, ठीक है, आप कर देना अपने में भी पेज रैपो ऐसे, ठीक है। ये हो गया पेज रैपो। यहाँ पे पैडिंग जो है वो हम देते हैं 10px की, ठीक है। तुम क्यों ऊपर आ जाते हो, वही। अब ये हो गया हमारा यहाँ तक, ओके। बट एक काम इसके साथ हमें और भी कर लेना है, के साथ एक काम ये कर लेना है कि इसको ऐसे नीचे कर दो। और अभी तो एक काम करो ना कि ये, चलो ठीक है, इसको राइट कर दो आप स्मार्ट डिवाइसेस के लिए, लेकिन स्मार्ट डिवाइसेस से पहले हमारी ये होनी चाहिए बड़ी डिवाइसेस। तो काम करो, यहाँ पे जो है पहले एक और लिख दो, इसका विथ डिफाइन कर दो पहले, ठीक है, इसका विथ डिफाइन कर दो
100%, ओके। एंड पैडिंग जो होगी ये हम देंगे इसको स्मॉल डिवाइसेस के लिए, उतना लॉन्ग डिवाइसेस के लिए 0 ही रखेंगे। और बैकग्राउंड का जो कलर होगा हमारा, तो वो बैकग्राउंड का कलर हम इसको दे देंगे F9 F9 एंड F9, ओके ऐसे। तो ये हुआ हमारा, ठीक है। अभी क्या करना है कि इतना इतना तो ये हो गया, अभी इसके लिए लिखते हैं हम अपनी मीडिया क्वेरी, जो है मीडिया एंड मिनिमम विथ, ठीक है, 768 px ऐसे, और ये कर दिया। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से आप ऐसे उठा लो इसको और इसके अंदर बिठा दो, ओके। ये इसके अंदर आप कर दो पैडिंग, एंड उसके बाद में ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ से आपको कर देना है रिमूव। ये करना है और ये करना है, ओके। एंड पैडिंग यहाँ पे दे देना है 10 px। एक काम यहाँ पे हमें ये कर लेना है कि इसके बाद में इसके नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कर दो और लिख दो कि टॉप नेविगेशन। अभी अगर हमें अपना आउटपुट देखना है तो देख सकते हैं, छोटा सा लिटिल इफेक्ट आएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये देखिएगा लिटिल इफेक्ट है थोड़ा सा। आइए यहाँ पे टॉप नेविगेशन में क्या करना है कि टॉप नैव को पहले हमें स्टेलाइज करना है, क्लास टॉप नैव। ये क्लास हम लेंगे, साइड बार में आप जाओगे तो यहीं पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी टॉप नैव, सबसे ऊपर टॉप नैव ये, ठीक है। ये यूएल के साथ जो है, तो ये हो गई आपकी टॉप नैव। तो टॉप नैव के लिए हमें यहाँ पे लिखना है स्टाइल्स, उसको क्या करना है कि पैडिंग एक हो गई 0, फिर हो गया आपका ये ऐसे, ठीक है। अब इसके नीचे आ गए, यहाँ पे भी टॉप और नैव, बट किसके लिए li, और इसको ऐसे कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसको डिस्प्ले करना है कैसे, इन लाइन ब्लॉक में, ठीक है। और फ्लोट कर देना है इसको लेफ्ट, दैट्स इट। इसके नीचे आ गए, यहाँ पे टॉप नैव li एंड a ऐसे, ठीक है। पैडिंग टॉप 15 px, देन पैडिंग बॉटम 15 px एंड लाइन हाइट 20 px, देन इसके नीचे आ गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करना है कि टॉप नैव देन li देन a एंड होवर, तब क्या हो, अगर होवर हो तो। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे एक और भी कंडीशन लगा देते हैं, इसको यहाँ से ऐसे ले लो और इसको ऐसे कर दो होवर, एंड देन इसको कर देते हैं फोकस। एक होवर आपका और दूसरा हो जाएगा फोकस, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे, फोकस, ठीक है। अब इसके अंदर इसको देते हैं कलर ब्लैक, ठीक है। ये हुआ। अब इसका हम जो एकदम सा लिटिल सा इफेक्ट है, आइए वो देखते हैं पहले, ठीक है। अब चलते हैं अगले वीडियो की तरफ और वहाँ पे आकर आगे का जो काम है
वो कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको हम पूरी कंप्लीट इस जो भी सोर्स कोड हम लिख रहे हैं फाइल्स, ये सारी फाइल्स हम आपको डाउनलोड करवा देंगे, सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे डेली लाइव चैट के लिए, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स हम इसमें क्लियर करेंगे। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है जिसे डोनेट करके आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकते हैं इसमें, और उम्मीद है आप लोग ये लेंगे, मुझे आप लोग पूरा भरोसा है। तब तक के लिए थैंक यू।